किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब, हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब, हम तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। मैं नदीम कमो, कमो पाकिस्तान चैनल के साथ। आज मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, तबले की दुनिया के उस्ताद, पूरी दुनिया में माने जाते हैं उस्ताद ताफू, जिनके शिगिर्द के स्टूडियो हम आए हैं। काशी जोजी स्टूडियो है जिनका नाम, आए आपको उनसे मिलवाते भी हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं मज़े मज़े की, और उनसे ये भी सुनते हैं कि कितनी देर से वो मुंसलिक है। ये उनका स्टूडियो है जो कि काशी जोजी उनके बेटे के नाम से है। वो इधर माशाल्लाह ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, यंगस्टर को ट्रेन करते हैं। ये उनका स्टूडियो है। हम उस्ताद ताफू, तबले की दुनिया का एक नाम, उनके शिगिर्द इजाज अली जोजी के इस टाइम स्टूडियो के अंदर मौजूद है, जो कि वो हमारे पास मौजूद हैं। उनसे हम पूछते भी हैं कि वो इस काम से कितनी देर से मुंसलिक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अंकल, हमें ये बताएं, ऑडियंस को ये बताएं कि आप इस काम से कितनी देर से मुंसलिक हैं। भाई जान, पहले तो मैं यह गल करनी ज़रूरी समझना वा, ताफो साहब मेरे बाप ने, मैं म्यूजिक नाल मुंसलिक 50 साल तो हाँ, और मेरे उस्ताद ताफो साहब ने, लेकिन मैं उन्हों का बेटा वा, मैं शिगिर्द नहीं गा। मैं उन्होंने को जो कुछ सीखिया पूछया वे, मैं थोड़ा बहुत बजाना वा, जैसा भी है कुछ इंस्ट्रूमेंट मैं प्ले करना वा, वो उन्हों की बदौलत है, उन्होंने दसिया ही मैं करना वा, और उन्होंने मेहरबानी है कि उन्होंने हर वक्त शफकत का हथ मेरे सिर पर ही होंगे वे। किसी टीवी चैनल से मुंसलिक हैं, कभी गए हैं, मतलब टीवी चैनलों ने आपको किया अप्रोच वगैरह? हाँ जी, मैं 5 साल तकरीबन जियो दे नाल। अच्छा, अब हमारी ऑडियंस को ज़रा अपना फन भी दिखाएं, तो ज़रा उनको बजा के भी बताएं, पता चले कि हम किसी बड़े उस्ताद के शिगिर्द के पास बैठे हैं, तो ज़रा थोड़ा सा ज़रा इसको ज़रा बजाएं ताकि हमें पता चले। वड्डी ज़ात अल्लाह ताला दी है, बस है थोड़ा जहा कुछ प्ले कर देना। मैं नहीं नहीं बजाएं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अगर कोई बच्चा या कोई यंगस्टर इसको सीखना चाहे तो कितना अरसा लगेगा उसे? अच्छा, अरे जितनी वो मेहनत करेगा उन्हीं जल्दी कामयाब होएगा। आने वाली नस्ल अगर ध्यान करेगी तो बहुत जल्दी हर चीज़ सीख सकते हैं। उन्हों का शौक है, उन्हों की मेहनत है, वो जल्दी तो जल्दी वो काम सीख लेंगे ने, तो वो जरूरी यो है कि जहनी तौर पर किसी चीज़ के इनवॉल्व होना, और जिहड़े बच्चे दा शौक रखते ने दिली तौर पर उन्होंने बहुत जल्दी यदा समझ आ जाती है, पता चल जाता वे। और म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है कि जिहदा शौक होना ही चाहिए है, क्योंकि ये काफ़ी सारी बुराइयां दूर हो जांदियां ने। मैं गाँदा गुंदा तो नहीं, रिदम प्ले करना वा, लेकिन तुहाडी मुहब्बत कुछ सुना देना मैं। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब, हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब, हम तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश सही। क्या बात है, क्या बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और टैलेंटेड लोग, पाकिस्तान का टैलेंट लाजमी इस स्टूडियो को ज्वाइन करें। जो जो सीखना चाहता है, तबला सीखना चाहता है, पियानो सीखना चाहता है, हर तरह की मुसीकी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता है, वो इस स्टूडियो में आए। काशिफ जोजी के नाम से ये स्टूडियो है, थाने के बिल्कुल सामने अंदरून के अंदर। शुक्रिया।